बवाल की, जिसके लिए बीजेपी शुरू से कांग्रेस और विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहरा रही है। सरकार ने भी पार्लियामेंट से पब्लिक मीटिंग तक में साफ कर दिया था कि नागरिकता कानून से देश के किसी नागरिक पर कोई असर नहीं होगा। फिर भी विरोध प्रदर्शन नहीं थमा तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के जोधपुर से जन जागरण की शुरुआत की। नागरिकता कानून और एनआरसी के विरोधी पहले से सड़कों पर, दिल्ली से पश्चिम बंगाल और बिहार से केरल तक आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। अब नागरिकता कानून, एनआरसी और एनपीआर का भ्रम मिटाने के लिए बीजेपी ने जन जागरण अभियान का ऐलान कर दिया। नागरिकता कानून पर विरोध की राजनीति का जवाब देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने खुद राजस्थान के जोधपुर में मोर्चा संभाला। उन्होंने दो टूक ऐलान कर दिया कि इस मुद्दे पर सरकार एक इंच भी पीछे नहीं हटेगी। ये सारी की सारी पार्टियां एक हो जाए, भारतीय जनता पार्टी सीएए में एक इंच भी वापस नहीं आने वाली। आपकी नागरिकता को कोई नहीं रोक सकता। जितना भ्रम फैलाना है फैलाए, जितना गुमराह करना है करे। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता कानून पर भ्रम फैलाने का आरोप कांग्रेस पर मढ़ा और बेहद तल्ख अंदाज में राहुल गांधी को चुनौती दी कि वो नागरिकता कानून पर जहां और जिस भाषा में चाहें उनके साथ बहस कर सकते हैं। और ये सारी पार्टियों को मैं आज चुनौती देने आया हूं। आप कहते हो कि इससे देश के अंदर अल्पसंख्यकों का नागरिकता चली जाएगी। राहुल बाबा, कानून पढ़ा है तो कहीं पर भी चर्चा करने के लिए आ जाओ, और नहीं पढ़ा है तो मैं इटाली में भी इसका अनुवाद कर आपको भेज देता हूं, इटाली की भी भाषा। जोधपुर में नागरिकता कानून पर जिस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री गरज रहे थे, उसी वक्त राजधानी दिल्ली में महिलाओं और छात्र संगठनों का मोर्चा मंडी हाउस से जंतर मंतर रवाना हो चुका था। इस वक्त जो प्रदर्शन चल रहा है मंडी हाउस से, जो निकल पड़ा है जंतर मंतर के लिए, इसमें खास तौर से लेफ्ट के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो हैं, तमाम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, और एक जो खास बात है एलजीबीटी समुदाय के लोग भी हैं। इस बात को लेकर आप लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है, एनआरसी सीए सबके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। आप ये बताइए, आप तो स्टूडेंट है, आप लोगों की डिमांड क्या है? नागरिकता कानून का विरोध कर रहे लोगों के हाथों में पोस्टर थे, टी शर्ट पर भी नारे लिखे हुए थे, फैज और पाश की क्रांतिकारी कविताओं के बैनर थे, और नारों के शोर में ये ऐलान भी था कि उनका आंदोलन बीच में नहीं थमने वाला। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मंडी हाउस से शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट जंतर मंतर की तरफ लगातार बढ़ रहा है। पहली पंक्ति में आप देखेंगे पूरी कम्युनिटी के साथ साथ स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, और पहला ही जो बैनर है उस पे लिखा गया है कि सीएए और एनआरसी के विरोध में ये तमाम जो प्रोटेस्ट है ये यहाँ पर हो रहा है। ये नेगेटिव मूवमेंट नहीं है, ये बिल्कुल पॉजिटिव मूवमेंट है, और इसलिए हम तो अपने संविधान से प्यार करते हुए अपने देश को बचाने के लिए निकले हैं। विरोधियों के सवालों का जवाब देने के लिए बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक भी मोर्चे पर तैनात हो गए। वडोदरा में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वामी नारायण मंदिर के पुजारियों ने नागरिकता कानून के समर्थन में 101 पोस्ट कार्ड सौंपे, तो राजस्थान के झालावाड़ में जुलूस निकालकर नागरिकता कानून के समर्थन का ऐलान किया। नागरिकता कानून के विरोधियों को जवाब देने की ये सिर्फ झांकी भर है, क्योंकि बीजेपी का देश भर में असली अभियान तो 5 जनवरी से शुरू होने वाला है। हर जिले में कोई रैली, इंटेलेक्चुअल मीट, प्रदेश में 3-4 बड़ी बड़ी रैलियां, और छोटी छोटी पूरे देश में करीब करीब 1,00,000 नुक्कड़ सभाएं जैसी, इस प्रकार का कार्यक्रम संवाद के माध्यम से अरुण सिंह जी देख रहे हैं। हालांकि नागरिकता कानून, एनआरसी और एनपीआर का विरोध कर रहे संगठनों और विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो चेतावनी भी दे डाली है
कि सरकार जिस एजेंडे को आगे बढ़ा रही है उससे देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में पहली बार ये अमेंड हुआ था, नागरिकता संशोधन कानून, कोई हल ही नहीं हुआ, कोई हल ही नहीं हुआ। एनआरसी का प्रोविजन भी उसमें किया गया, एनआरपी का किया गया, कोई हल्ला हो ही नहीं था। क्या कारण है इस पर हल्ला हुआ है, ये समझने की बात है इनको। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ दिसंबर में जो मार्च शुरू किया था वो जनवरी में भी जारी है। सिलीगुड़ी में ममता ने लोगों को नागरिकता कानून और एनआरसी का विरोध करने की शपथ दिलाई। हमरा सबाई नागरिक, हम सब नागरिक है। उन्होंने इसी मंच से प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला भी बोला। हम उनको एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, अगर हमारा देश इतना बड़ा देश है, हमारा लोकतंत्र इतना बड़ा लोकतंत्र है, तो आप क्यों पाकिस्तान से हमारा देश को कंपेयर करते हैं? आप क्या पाकिस्तान का मसला बन गया? क्या आपको पाकिस्तान का मसला बनाया कि हर तरफ हर रोज पाकिस्तान को ग्लोरीफाई कर रहा है? दो हफ्ते पहले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद दिल्ली और देश के कई शहरों में नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए थे। अब विरोध प्रदर्शन में हिंसा थमी है, लेकिन मुसलमानों की नागरिकता छिन जाने की आशंका से पैदा हुआ आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रधानमंत्री मोदी की बात पर भी लोग भरोसा करने को तैयार नहीं है कि नागरिकता कानून से किसी भी नागरिक की नागरिकता नहीं छिनेगी, और एनआरसी लागू करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार में कोई चर्चा तक नहीं हुई है। बीजेपी नागरिकता कानून पर लोगों का भ्रम दूर करने जा रही है, लेकिन सच्चाई है कि मामला जो है वो नागरिकता कानून से कहीं आगे बढ़ चुका है। नागरिकता कानून का विरोध करने वालों के दिमाग में ये बात बैठा दी जा चुकी है कि ये एनआरसी लागू करने का हिस्सा है। जिन राज्यों में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहां के मुख्यमंत्री भी यही कह रहे हैं। साथियों, हमारा ये फर्ज बनता कि पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की मदद करे। भारतीय जनता पार्टी सीएए में एक इंच भी वापस नहीं आने वाली। नागरिकता कानून के विरोध और समर्थकों की लड़ाई खत्म होने का कोई और छोर नजर नहीं आ रहा। विपक्षी दलों ने इस नागरिकता कानून को एनआरसी लागू करने की साजिश का हिस्सा बताकर बवाल मचा रखा है, और बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस और विपक्षी दल जनता को गुमराह कर रहे हैं। इस मुद्दे पर केंद्र और गैर बीजेपी राज्य सरकारों के बीच सीधा टकराव भी शुरू हो गया है। केरल विधानसभा ने तो 31 दिसंबर 2019 को नागरिकता कानून रद्द करने का प्रस्ताव भी पास कर दिया था, जिस पर बवाल थमने से पहले ही पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को खुली चिट्ठी लिखकर राज्यों की विधानसभाओं के संवैधानिक अधिकार याद दिलाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चिट्ठी में लिखा है कि प्रिय श्री रविशंकर प्रसाद जी, सीएए पर केरल विधानसभा में पारित प्रस्ताव पर आपकी टिप्पणी से मुझे चिंता हुई। आपने आक्रामक ढंग से नागरिकता संशोधन कानून का बचाव किया और ये कहा कि संविधान के आर्टिकल 245 के तहत नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सरकारों को नहीं। मैं इस बात से डर गया कि आप केरल विधानसभा में पारित प्रस्ताव के अहम बिंदु पर चूक गए। केरल विधानसभा ने नागरिकता का कोई कानून पास नहीं किया, उसने सिर्फ केंद्र सरकार से गुजारिश की है कि नागरिकता कानून में बदलाव किया जाए जो पूरी तरह संवैधानिक है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एनआरसी लागू करने की आशंकाओं का जिक्र भी किया। वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि पंजाब में उनकी सरकार नागरिकता कानून और एनआरसी लागू नहीं होने देगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तो रोज यही हुंकार भर रही हैं कि वो नागरिकता कानून, एनआरसी और एनपीआर किसी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार भी यही कह रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि नागरिकता कानून पूरे देश में लागू है, किसी के कहने भर से थोड़े ही रद्द हो जाएगा। वो इस प्रकार का प्रोविजन है कि वो मध्य प्रदेश में लागू होगा ही, उन्हें लागू करना ही पड़ेगा, उनके बोलने से क्या होता है।
केंद्र सरकार नागरिकता कानून, एनआरसी और एनपीआर को अलग अलग मामला बता रही है, लेकिन विरोध प्रदर्शन करने वालों की नजर में ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिहार के मधुबनी में महिलाओं ने 13 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर नीतीश कुमार को चेतावनी भी दे दी कि वो अपना रुख साफ करें। एक तरफ इनके राज्यसभा के सदस्य हैं, वो तो वहाँ समर्थन देते हैं, और एक तरफ ये लोग जो है यहाँ आकर कहते हैं कि यहाँ एनआरसी लागू नहीं होगा। वैसे बिहार के सीएम नीतीश कुमार कह चुके हैं कि उनकी सरकार एनआरसी लागू नहीं करेगी। उसके बावजूद एनआरसी और एनपीआर पर बीजेपी नेताओं के बयान से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी कंफ्यूज है। इस पूरे इशू को जिस तरह से एक बार फिर से सत्ता पर लाने की कोशिश की गई है, मैं समझता हूँ एक बार ये राष्ट्रीय विमर्श में लाया जाना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों के विचारों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। विपक्षी दल भी यही आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के नेता बयानों से भ्रम फैला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का बॉयकॉट करने के लिए नए आंदोलन की तैयारी भी कर चुके हैं। हमें नहीं चाहिए एनपीआर, हमें चाहिए रोजगार। तो रोजगार मांगने के लिए जिसमें इंजीनियर्स होंगे, प्रोफेशनल कोर्स किए हुए बच्चे होंगे जिनको नौकरी नहीं मिली है, किसान के बेटे होंगे, फौज के लोग होंगे जो रिटायर हो गए होंगे, उनसे भी हमने निवेदन करेंगे कि आए और हमारा सहयोग करें। हिंदुस्तान के नागरिकों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा उसको लेकर के बातचीत हो रही है, और पाकिस्तान का सवाल उठा रहे हैं। भाई इनका एकमात्र नजरिया जो है यही है। वहीं केंद्र सरकार के मंत्रियों का कहना है कि नागरिकता कानून पर विपक्ष ने देश को गुमराह किया, जिसका जवाब देने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता अब घर घर जाएंगे। दिक्कत उनकी ये है कि वो लोगों को कन्विंस तो कर नहीं पाए, तो सीए पर उन्होंने कन्फ्यूज करना शुरू कर दिया। हम लोगों के बीच जाएंगे, लोगों के बीच जा रहे हैं और जाएंगे भी। मोदी जी को पॉलिटिकल इश्यूज पर सामना करने का हिम्मत विपक्ष के पास नहीं है, इसलिए कुछ इस प्रकार के विवाद खड़ा करने का प्रयास विपक्ष ने किया, इसलिए हम उसका उत्तर दे रहे हैं। बीजेपी फिलहाल नागरिकता कानून पर जन जागरण अभियान शुरू कर रही है, लेकिन नागरिकता कानून से ज्यादा एनआरसी का शोर सड़कों पर गूंज रहा है। मुसलमानों के दिलो दिमाग में ये आशंका भर चुकी है कि नागरिकता कानून के बाद एनआरसी लागू होगा और उनकी नागरिकता छिन जाए।